गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 आई एम सो लोनली पोएम है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम लोनली, सो लोनली, आई एम ऑलवेज अलोन, आई नेवर गेट ईमेल्स और कॉल्स ऑन माई फोन। यहाँ पे जो बच्चा है आप देख सकते हैं, तो वो खिड़की के बाहर देख रहा है और वो अपने घर में बैठा है। ठीक है, और वो बच्चा लोनली, लोनली यानी कि अकेला है। बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ और मैं हमेशा ही अकेला रहता हूँ। और बच्चा कहता है कि आई नेवर गेट ईमेल्स और कॉल्स ऑन माई फ़ोन। तो बच्चे को कोई भी ईमेल्स या कॉल्स नहीं करता है, बच्चा हमेशा अकेला ही रहता है। आई सीट बाय माई सेल्फ इन माई रूम एवरी डे एंड वंडर वाई नोबडी वॉन्ट्स टू गो प्ले। यहाँ बच्चा पूरे दिन अकेला ही रहता है रूम में और वो सोचता रहता है कि कोई खेलने क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, माई क्लासमेट्स अवॉइड मी, दे नेवर से हाई, दे डोंट सीम टू नो आई एम अ वंडरफुल गाय। माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स यानी कि क्लास में जो बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो उन्हें क्लासमेट बोलते हैं। आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं आप सब एक दूसरे के क्लासमेट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को उनका क्लासमेट्स वो भी अवॉइड करते हैं और उन्हें कभी भी हाई हेलो नहीं बोलते हैं, कभी उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि ये बच्चा बहुत ही वंडरफुल, वंडरफुल यानी कि अद्भुत बच्चा है। एंड इवन द स्ट्रेंजर्स आई सी ऑन द स्ट्रीट गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक श्योर वी डोंट मीट। ठीक है, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान आदमी, अनजान पर्सन, तो वो भी बच्चा देखता है सेकेंड पिक्चर में कि स्ट्रेंजर्स होते हैं तो बच्चा उनके सामने बैठा रहता है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंजर्स है, वो साइकिल लेके जा रहा है और पीछे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, पार्क है उसमें, और बच्चा अकेला ही बैठा है। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं स्ट्रीट पे, वो अपने आप चले जाते हैं और कोई बच्चे के सामने देखता भी नहीं है और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो मिले ही ना हो। ठीक है, दे जम्प एंड दे रन टू गेट आउट ऑफ माई पाथ। जो बच्चे होते हैं और वो स्ट्रेंजर भी, वो जम्प यानी कि जम्प करते हैं और भागते हैं और उनके बच्चे का जो रास्ता है वहाँ से अलग चले जाते हैं। आई गेस मे बी दिस ईयर आई विल टेक माई फर्स्ट बाथ। तो बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है कि इस साल आई विल टेक माई फर्स्ट बाथ, तो मैं नहाऊँगा। क्यों नहाऊँगा? क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं नहाता नहीं हूँ, इसलिए सब मुझसे दूर दूर रहते हैं और इसलिए मैं अकेला हूँ। ठीक है, इसलिए वो गेस यानी कि वंडर, बच्चा सोचता है कि आज मैं अपनी पहली बात लूँगा। तो बच्चों, इस पोएम में मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें एक दूसरे के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। ठीक है, सबको अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्लास में कोई भी बच्चा अकेला ना रहे, उसका हमें ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आखिर में हम सब एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं, तो कोई बच्चा अकेला ना रह जाए और अकेला रहकर ऐसे ना सोचे कि मैं लोनली हूँ, मैं अलोन हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, कोई मुझे बुलाता नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम में जो है वो पोएट है वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि उनका अकेलापन क्या है और वो कितने होपलेस हो गए हैं। ठीक है, कि वो हमेशा ही अकेले रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सबके साथ
अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई अकेला अपने आप को ना समझे और हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारी पोएम यहाँ पे फिनिश्ड होती है। हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज देखेंगे।